प्लस एस या फिर एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये याद कर लीजिए, ये इजी होगा याद कर लेने से और समझ भी आ जाएगा जल्दी। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दो ठो, जैसे कि वह बाजार जाता है। तो चलिए इस हिंदी सेंटेंस को हम इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। वह क्या होता है, ही, अब ही थर्ड पर्सन होता है तो इसलिए गो के साथ इस लगेगा। ये देखिए गोस, ही गोस टू मार्केट, देखिए ही गोस टू मार्केट, वो बाजार जाता है, ही गोस टू मार्केट। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए मैं क्रिकेट खेलता, चलिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। चलिए इसका इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, मैं क्या होता आई, अब यहाँ पर भगवान लगेगा तो यहाँ पर प्ले पी एल ए वाई प्ले क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट। ये देख सकते हैं इस तरह से होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस या फिर एस प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल वो बजा जाता है ही गोस टू मार्केट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गो के साथ एस लगा है और प्ले के साथ एस या एस कुछ नहीं लगा है। तो ये बताएंगे अगले वीडियो में, तो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, नमस्ते।